असला एवरीवान टीचर मिस अजीजा अहमद आई होप यू ऑल आर फाइन सो आज हम हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे इन ऑनलाइन क्लासेस इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ थोड़ा बहुत हमने इस चैप्टर से लिहाज से चैप्टर नंबर फाइव को हमने क्लास में भी स्टडी किया है और प्रैक्टिस नाउ वन और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के थे वी हैव डन इट राइट right? सो so, आज जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली प्रैक्टिस नाउ टू पढ़ेंगे बट इससे पहले मैं थोड़ा बहुत पिछला रिवाइज करवा देती हूँ सो so, इस वाली एक्सरसाइज में हमारे पास थी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेट मी करेक्ट इक्वेशंस, इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हैं सेवेंथ क्लास में सेकेंड टर्म में इट वॉज लाइक दिस सॉरी लाइक दिस ए एक्स ठीक है plus Bx plus C. ये ये था और ये आप पढ़ चुके हैं 7th class में इसमें किसको करते हैं कांस्टेंट नंबर को यानी यहां कोई नंबर होंगे कोई भी होल नंबर और एक्स स्क्वायर और एक्स की जगह पर क्या होगा वेरिएबल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है अब हमारे पास है इक्वेशन एंड इट्स लाइक दिस ये एक जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जीरो हेल्प आउट टू फाइंड आउट एनी अननोन वैल्यू इसमें जो जीरो है वो हमें कोई भी अननोन वैल्यू मालूम करने के लिए मदद देगा ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल दो नंबर हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस बोथ नंबर आंसर आता है जीरो तो आपको जैसे कि पता है कि अगर हमने किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई किया है और आंसर आया है जीरो तो इट्स मीन उसमें से कोई एक नंबर जीरो होगा जैसे यहाँ टू है और यहाँ जीरो जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उस नंबर को भी खत्म कर देता है और क्या हो जाता है जीरो तो जब टू जीरो से मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आएगा जीरो आ जाएगा या ये भी हो सकता है कि जीरो इस तरफ हो और टू इस तरफ हो फिर आ, फिर जीरो टू से मल्टीप्लाई होगा आंसर तब भी जीरो आएगा या ये भी हो सकता है कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और आंसर जीरो आए तो वो दोनों नंबर भी जीरो हो सकते हैं यानी जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा जीरो तो हमने इस स्पेसिफिक टर्म्स को वेरिएबल देकर जनरल कर लिया यानी पी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है जैसे कि q तो आंसर आता है जीरो इट्स मीन या तो p जीरो होगा या तो q जीरो होगा या फिर ये दोनों टर्म भी जीरो हो सकती हैं कि जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है जीरो क्लियर इसी तरह no का एक प्रैक्टिस वन का क्वेश्चन था जो आप लोगों ने किया हुआ था मैं दूसरी स्क्रीन पर आपको वो दिखाती भी हूं वन राइट right? आप सबको ये स्क्रीन दिख रही होगी सो so, ये वाला क्वेश्चन सो so, हमने इसमें एजम्पन ये हमने इसी प्रिंसिपल को रखना है इस p मल्टीप्लाई बाय q की एजम्पन को हमने रखना है ठीक है फॉर इंस्टेंस ये p x की जगह पर होगा क्योंकि आपको पता है ये x और next इसके जो सात ब्रेकेट है वो आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये पूरी ब्रेकेट q की जगह पर आ जाएगी So we can say that के या तो ये जीरो है क्योंकि जब हम इन दोनों को multiply करें, तो 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 क्या आ रहा है? आ रहा रहा है है तो हमने कहा या तो ये है है या ये फिर ये इसकी जो bracket है, यानी X plus two, वो होगी अच्छा ये तो हमने यहाँ तक लिख लिया यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा सा मिस है मैं यहाँ पे बता देती हूँ आप लोगों ने सिक्स क्लास में इक्वेशन के रूल पढ़े कि अगर इक्वेशन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं उसमें वेरिएबल भी हो प्लस uh, नंबर होता है तो इधर आके क्या हो जाता है माइनस और अगर माइनस का नंबर हो तो इधर आके क्या हो जाता है प्लस वेल डन सो यहाँ पर एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है डेफिनेटली वन होगा जब वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता वी अज्यूम के इसके साथ वन है बट हम वन नहीं लिखते तो ये तो ऑलरेडी सॉल्व है यहाँ आ जाते हैं यहाँ पे वेरिएबल के साथ क्या है कॉन्स्टेंट नंबर है क्या हो रहा है प्लस तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस आप लिखेंगे एक्स इक्वल जीरो माइनस टू जीरो में से टू चला गया टू डेफिनेटली बिगर नंबर के साथ माइनस है तो आंसर भी किस में माइनस में जीरो का क्या मतलब होता है नथिंग यानी अगर हम इसमें कोई नंबर ऐड करें या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो जीरो फर्क नहीं लेकर आएगा हाँ मल्टीप्लाई करते हुए ये चेंज हो जाता है तो यहाँ तक तो प्रैक्टिस ना वन में आपके पास काफी इजी क्वेश्चन है आपने जस्ट पी मल्टीप्लाई बाई क्यू के प्रिंसिपल को रखकर और सॉल्व करना था ठीक है बट अब जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं इसमें आपको पी मल्टीप्लाई बाय क्यू वाली टर्म में लेकर आना होगा कैसे चया करते हैं और इसके साथ साथ थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जो सेवन क्लास में आप लोगों ने एल्जेब्रिक फार्मूले पढ़े थे तो में से किस किस बच्चे को वो थोड़ा बहुत याद है सबको ही याद होंगे ठीक है आप लोगों ने यहाँ साथ साथ स्क्रीन को देखते हुए वो पढ़ने भी हैं पहला एल्जेब्रिक फार्मूला था ए स्क्वा प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर Right. Second one was formula was a square minus 2ab plus b square. And the third one is a square minus oh sorry, a square. Yes, will volume. A square minus b square. A square minus b square. ticket. or uh, ये तो इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म थी इसकी फैक्टराइज फॉर्म थी ए प्लस बी होल स्क्वायर राइट इसकी थी ए माइनस बी होल स्क्वायर और इसकी थी दो ब्रैकेट्स यहां लिख रही हूं ठीक है ए प्लस बी ब्रेकेट क्लोज हम्म और ए माइनस बी तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएंगे इन टर्म्स में आएंगे और आपने फैक्टराइज करके इन टर्म्स में लेकर आना है एज रिस्पेक्ट टू दैट इक्वेशन ठीक है अगर वो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट इस पर इस फर्स्ट फार्मूले पर लाइक कर रही होगी तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे और फिर इस टर्म में लेकर आएंगे एंड सेम द सेकेंड एंड थर्ड इसके अलावा एक और चौथा चौथी हमने एक्सप्रेशन पढ़ी थी विच इज कॉड्रेटिक एक्सप्रेशन और वो थी जनरल फॉर्म ही लिख थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जो अभी हमने पीछे भी पढ़ी है प्लस सी और मैंने आपको जैसे कि कहा था के ये ए बी और सी कोई कांस्टेंट नंबर होंगे और ये स्क्वायर यानी ये जो एक्स हैं ये कोई वेरिएबल होंगे और आप लोगों ने पिछली क्लास में इस तरह क्वेश्चन यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आए हुए क्वेश्चन को भी फैक्टोराइज किया था ठीक है तो इस तरह भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसे फैक्टोराइज करेंगे थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ यहाँ पर जैसे कि अगर इस तरह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना था तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना था फिर मिड टर्म को ब्रेक ब्रेक uh, करना था फिर जब चार टर्म बन जाएंगी तो उनका ग्रुप बनाना था और कॉमन लेना था सही और एक और भी फैक्टराइजेशन होती है फॉर एग्जाम्पल चले अगली प्रैक्टिस नाव में आ रही है तो हम वही कर लेते हैं ठीक प्रैक्टिस नाव टू सोल्व ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन जो आपको बुकलेट मैंने ग्रुप में सेंड किया उसमें प्रैक्टिस नाउट टू का पेज नंबर लिखा है तो आप बुक पर बुक से भी उसे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्री एक्स स्क्वाइनस फिफ्टीन एक्स इक्वल जीरो तो यहाँ पर हमारे पास तीन टर्म्स नहीं है जस्ट दो टर्म्स हैं तो जब दो टर्म्स आ जाती हैं तो उसके फैक्टराइज करने का तरीका ये होता है कि इन दोनों टर्म में से कोई आपने कॉमन नंबर निकाल लेना है और जब हम कॉमन नंबर निकाल लेंगे तो उसके बाद हम वेरिएबल भी कॉमन निकालेंगे तो थ्री और फिफ्टीन दो नंबर है इसमें कॉमन का मतलब क्या होगा कि एक किसी एक टेबल में वो दूसरा नंबर भी आता हो फॉर एग्जाम्पल थ्री थ्री अगर इसमें कॉमन है और मैं उसे बाहर निकाल लेती हूँ तो उसमें कौन थ्री uh, के टेबल में क्या फिफ्टीन yes, आता है यस आता है सो हमने क्या कर दिया थ्री को बाहर निकाल लिया ये तो पूरा यहाँ पे सॉल्व होकर आ जाएगा जैसे कि यहां अगर हम कर लेते हैं वन बाय वन ये थ्री को मैंने बाहर निकाल लिया ब्रेकिट डाल दिया नहीं ब्रैकेट नहीं डालेंगे पहले क्या करेंगे वेरिएबल मालूम करेंगे वेरिएबल भी कॉमन हमें निकालना है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स है यानी दोनों में एक्स आ रहा है तो एक्स बाहर आ जाएगा वो एक्स बाहर आएगा जिसकी पावर कम होगी यानी फिफ्टीन के साथ वाला जो एक्स है वो बाहर आ जाएगा ब्रेकिट लगा दे अब उसके बाद ब्रेकिट में क्या आएगा इसके लिए बहुत आसान तरीका है आप सबको पता है आपने इसकी फर्स्ट टर्म को जो हमने कॉमन निकाला उस टर्म से डिवाइड कर देना है जो आंसर आए ब्रेकेट में वो आएगा थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री एक्स जी थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा एक एक्स एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा और पीछे क्या बचेगा जस्ट रिमेनिंग वन एक्स ये दोनों नंबर पॉजिटिव थे पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव अब आ जाते हैं माइनस फिफ्टीन एक्स की तरफ सो माइनस डिवाइडेड बाय पॉजिटिव थ्री एक्स कैंसिल बाय एक्स थ्री वन जा थ्री और थ्री फाइव जा फिफ्टीन और माइनस प्लस माइनस ये आ गया आपके पास फाइव ठीक है और इक्वल्स टू अपनी जगह पे रिमेनिंग आएगा इजी था यस yes. अब देखें अब ये थ्री एक्स ब्रेकेट एक्स माइनस फाइव तो क्या अब ये क्वेश्चन पी मल्टीप्लाई बाय क्यू की टर्म पर आ गया है यस yes, आ गया है क्योंकि ये थ्री एक्स पूरी ब्रेकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी हम थ्री एक्स को पी एज्यूम कर लेते हैं और x माइनस फाइव यानी ब्रेकेट को हम q एज्यूम कर लेते हैं तो इट्स मीन या तो थ्री एक्स इक्वल जीरो बट इट्स इजी क्योंकि इक्वेशन है थ्री वेरिएबल हम मालूम कर रहे हैं एक्स के साथ थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा जो वेरिएबल के साथ नंबर होगा वो हमेशा बॉटम में आएगा जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं ठीक है लाइक दिस यहाँ माइनस फाइव प्लस हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा प्लस तो फाइव में जब जीरो प्लस होगा फाइव ही बनेगा बिकॉज जीरो मीन्स नथिंग थिंग जीरो कुछ भी नहीं कर सकता एडिशन और सब्रैक्शन में और जब हम थ्री को जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा जीरो जीरो अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो जीरो आएगा हाँ प्लस या माइनस होगा तो वो जो दूसरा नंबर है वो आंसर आ जाएगा ठीक है अच्छा एक साथ यहाँ सवाल भी कर लेती हूँ आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में उसका जरूर जवाब देना है जीरो जीरो पॉजिट जीरो बहुत ही बुरा लिख दिया मैंने कोई बात नहीं यहां पे मैं थोड़ा साफ सुथरा लिखती सा जीरो पॉजिटिव है या जीरो नेगेटिव है जल्दी से जवाब दें या इन दोनों में से कुछ भी नहीं है जो भी आपका जवाब है आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखना है और यहां पर भी हमारा ये जवाब भी आ गया कि इसका मतलब है कि या तो एक्स जीरो है या फिर एक्स जो है वो फाइव है इज इट क्लियर यस सो so, इसमें सबसे मजे की बात यह है कि ये एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ये इक्वेशन है यानी में कोई एक अननोन है वो हम मालूम कर सकते हैं ठीक है सो स्टार्ट स्टार्टेड पार्ट बी पार्ट बी है एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल जीरो अब ये दो टर्म्स नहीं है यानी ये तीन टर्म्स है अगर ये तीन टर्म्स हैं तो हमने पीछे यहाँ पे पढ़ा हुआ है यस yes, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कौन सी वाली टर्म में आ रहा है फर्स्ट फार्मूला है दूसरा है या तीसरा है तो डेफिनेटली ये फर्स्ट है अच्छा ये भी है इसमें भी तीन टर्म्स हैं मगर तो इसमें आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि पहली बात अगर आपने देखना है कि ये कौन सी एलजेब्रिक में लगता है तो आपने देखना है किसी भी नंबर की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर परफेक्ट स्क्वायर होगी और उसकी मिड टर्म भी इवन होनी चाहिए अगर ऐसा है तो वो किसी फार्मूले में इन दोनों फार्मूले में लगेगा अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से कॉड्रेटिक uh, एक्सप्रेशन की जो जनरल फॉर्म है उससे सॉल्व होगा ओके okay? अगर हमें देखते हैं कि कोई जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें कौन सा वाला फार्मूला लगेगा तो आपने उसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चेक करनी है अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगी और साथ साथ उसकी मिड टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए क्योंकि टू जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन कर देता है उसे ठीक है तो, तो वो अल्जेब्रेक uh, फार्मूला से हो जाएगा अदरवाइज वो कॉड्रेटिक

और इसकी मिड टर्म भी इवन होनी चाहिए यस एट इज इवन नंबर सो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को फैक्टोराइज करना है ठीक है फैक्टोराइज करेंगे एक्स और फैक्टोराइज इस टर्म में आके करेंगे यहाँ लिख भी देती हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर की जगह है और लास्ट टर्म यानी थर्ड टर्म बी स्क्वायर की जगह है तो सबसे पहले आपने यहाँ पे यहाँ पूरा सॉल्व करके लिख भी देते हैं सबसे पहले तो यहाँ हम ब्रैकेट में भी चाहे लिख सकते हैं इट वुड बी इजी फॉर अस ठीक है एक्स नंबर अपनी जगह आ जाएगा उसके ऊपर आपने स्क्वायर दे देना है यहाँ इस फार्मूले को देखें ठीक है प्लस टू अपनी जगह पर आएगा यहाँ पर अभी आप सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि पहले लास्ट टर्म सॉल्व करेंगे बी की जगह पर आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट तो सिक्सटीन का स्क्वायर रूट क्या है फोर आपने फोर लिख दिया और यहाँ पे देखें बी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर दे देंगे ठीक है और वैसे भी फोर का स्क्वायर लें तो सिक्सटीन आता है यानी जो जो स्टेप हम कर रहे हैं वो ऊपर जब हम सॉल्व करें तो वही आंसर आना चाहिए उसके बाद हम टू लिखेंगे टू के बाद यहाँ पर ए यह की वैल्यू आएगी ये ए की वैल्यू तो पहले ए की वैल्यू क्या है एक्स यहाँ एक्स आगे फिर नेक्स्ट आएगी बी की वैल्यू देखें यहाँ पर आगे ठीक है अब उसके बाद जिनके ऊपर स्क्वायर है उनको होल में ले लें यानी यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस होल स्क्वायर ठीक है वो नंबर जिनके ऊपर स्क्वायर नहीं है उनको ऊपर ही छोड़ दें और जिनके ऊपर ले ले, दे दे, तो मतलब दो दफा देखो ये बन गया ना पी मल्टीप्लाई बाई क्यू जी बिल्कुल बन गया पी मल्टीप्लाई बाई क्यू राइट और हमने लिख भी लिया है कि हमने इसको फैक्टराइज किस मेथड से किया है हमने इस फॉर्मुले नंबर वन से किया सो इट्स मीन के या एक्स प्लस फोर इक्वल जीरो है या एक्स प्लस फोर इक्वल जीरो दोनों सेम है अच्छा इसके दो तरीके हैं आगे मैंने दूसरा तरीका भी लिखा लिखा लिख लिखवाया है और पढ़ाऊंगी भी ठीक है सो एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो करेंगे जीरो में से फोर माइनस हो जाएगा माइनस फोर आंसर आएगा यानी अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं तो दोनों का आंसर क्या आना है सेम क्योंकि स्क्वायर था दूसरा तरीका देखें ये रहा यहां तक फैक्टराइज़ किया सब समझ आ गया फिर उसके बाद हमने इस स्क्वायर को ओपन नहीं करना वी विल जस्ट राइट कि एक्स प्लस फोर इक्वल क्या होगा जीरो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस फोर यानी हम जस्ट वन टाइम भी कर सकते हैं बिकॉज जब कोई नंबर स्क्वायर में है और अंदर दोनों सेम है तो फिर उसका आंसर भी क्या होगा दोनों वेरिएबल का सेम ठीक है आपने ये दियर फोर का साइन भी एड करना है Like this, this बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिस न की हुई है मगर एक ग्रुप ने नहीं, नहीं की हुई तो सेकेंड इज सी एक्स स्क्स एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो पहले क्या देखना है की ये कौन से वाले फार्मूले से होगा फर्स्ट फार्मूले से हो सकता है आप सब सो, लोग सोच रहे हो कि होता है या नहीं तो चले देख लेते हैं मैंने जैसे कि आपको पीछे कहा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का फर्स्ट और थर्ड टर्म का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है बट मिड टर्म भी इवन होनी चाहिए तो फाइव इज नॉट इवन नंबर तो ये अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यानी अल्जेब्रिक फार्मूला से नहीं होगा वी विल मूव टू द नेक्स्ट विच इज कॉड्रेटिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जनरल फॉर्म मुझे तो जबानी याद तो हो गई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी याद हो चुकी होनी चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेल डन सो ये ए की जगह पर है और फोर किसकी जगह पर है सी की फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। इसकी term, है फर्स्ट इसका कांस्टेंट क्या को किससे करेंगे फोर से मल्टीप्लाई सो बच्चों वन को जब हम फोर से मल्टीप्लाई करते हैं वी कॉट द आंसर ऑफ फोर अब हमने इस फोर के इस तरह फैक्टर्स बनाने हैं कि फाइव बन जाए जैसे टू टू जा फोर तो टू में टू को ऐड करें तो क्या फोर बनता है नहीं बनता बट जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि अगर हम फोर और वन को ऐड करें तो क्या बन जाता है फाइव एक्स फाइव ठीक है तो यानी हमने ये वाला ग्रुप रखना है चले प्लस अपनी जगह पर आ जाएगा और फोर एक्स प्लस वन एक्स ब्रेक क्लोज प्लस फोर इक्वल टू जीरो हमने मिड टर्म को ब्रेक किया है जस्ट मिड टर्म को ब्रेक करना है उसके बाद ब्रेकेट को ओपन करेंगे प्लस 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 फोर एक्स बाहर प्लस 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 वन एक्स बाहर लाइक दिस ओके उसके बाद आपने दो दो के ग्रुप बना लेने यानी फर्स्ट टू दिस नंबर एंड द सेकेंड वन लास्ट दिस जीरो अपनी जगह पे रहेगा उसके साथ कोई चेंज नहीं होगा भाई अब so, हमने जब ग्रुप बना लिए हम इनमें से कॉमन एक्सट्रैक्ट करेंगे वेरिएबल कॉमन है बाहर आ जाएगा यहां फोर है इस वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर होगा वन क्योंकि वेरिएबल यहां पे एक्स बाहर आएगा तो वेरिएबल के साथ हम वन नहीं लिखते तो एक्स अकेला रहेगा और सेम यहां पर अगर हम देखें तो फोर और वन में से कौन सा नंबर कॉमन है डेफिनेटली वन क्योंकि वन के टेबल में फोर आता है जबकि फोर के, के टेबल में वन नहीं आता लाइक like दिस और उसके मैंने कॉमन निकालने के बाद जैसे कि मैंने पीछे आपको तरीका बताया था कि जब हम कॉमन निकाल लेते हैं उसके बाद ब्रैकेट में आंसर कैसे आएगा इस बाहर कॉमन निकाले हुए टर्म को ऊपर वाली टर्म से डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा एक एक्स एक एक्स एक से कट जाएगा आंसर आएगा वन एकस, ठीक है जस्ट उसकी पावर वन रहेगी फोर एक्स को अगर एक्स से डिवाइड करेंगे X, X से कट कर जाएगा रिमेनिंग फोर बचेगा सेम विथ वन एक्स को अगर हम वन से डिवाइड करेंगे तो वन वन से कैंसिल हो जाएगा और एक्स बचेगा प्लस 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 वन को फोर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा फोर उसके बाद जब हमारे पास ये इस तरह की टर्म आ जाए तो हम जो क्योंकि अच्छा इस तरह की टर्म में जो ब्रेकिट हमने बनाई होती है अगर वो सेम होती है ना तो के हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल फैक्टराइजेशन ठीक किया है उसके बाद जो सेम ब्रेकेट से उनको एक दफा लिखेंगे और जो आउटर नंबर है उन्हें वन दफ, वन दफा टाइम लिख देंगे लाइक like दिस ठीक है अब मुझे बताइए क्या ये पी मल्टीप्लाई क्यू की टर्म बन गई फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट से, से मल्टीप्लाई हो रही है तो इट्स मीन ये पी की जगह आइए और ये क्या है क्यू की जगह ये मल्टीप्लाई तो इट मीन्स के या एक्स प्लस वन इक्वल जीरो है या एक्स प्लस फोर इक्वल जीरो लाइक हेयर ये हमने यहाँ सॉल्व कर दिया प्लस का वन है उधर जाके माइनस हो जाएगा जीरो में से वन को माइनस करें तो माइनस वन बचेगा और सेम विध हियर राइट तो इस मीन या एक्स माइनस वन है या एक्स इक्वल माइनस फोर है पार्ट सी पार्ट सी कर चुके हैं पार्ट डी है हमारे पास और पार्ट डी के लिए आपने एक मिनट के लिए पॉज करना है मुझे बताना है मेरा पहले से जवाब नहीं सुनना ठीक है आपने मुझे बताना है कि uh, हम इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे या फिर हम इसको करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से जी तो अगर आपने ये यस तो अगर आपने ये देखना था कि ये अल्जेब्रिक फार्मूला में है तो आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखोगे अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो यस और इसकी मिड टर्म भी ई वन होनी चाहिए तो वो अल्जेब्रिक आइडेंटिटी से हो जाएगा बट हेयर वी कैन सी कि इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसकी मिड टर्म भी इवन नंबर नहीं है तो ये भी किससे होगा

उनके फैक्टर्स की मदद से ये को करना है 3 और 10 को करें तो इसलिए या या तो मैं जस्ट ओवरव्यू करके चल रही हूँ ठीक है थ्री और टेन को प्लस करें थर्टीन बनता है माइनस करें तो क्या बन जाता है सेवन नहीं ये इसका ग्रुप नहीं बन सकता नेक्स्ट मुझे जो अच्छा लगता है वो टेबल टू आई ऑलवेज स्टार्ट विद टू बिकॉज आई लव इट सो का टेबल पढ़े फिफ्टीन तक तो आता है थर्टी अब देखते हैं कि ये हमारा ग्रुप बन पाएगा या नहीं टू में फिफ्टीन को माइनस करें थर्टीन अगर प्लस करें तो क्या बनता है यस yes, का हमारा ग्रुप ग्रुप सक्सेसफुली बन गया लुक एट में लिखेंगे माइनस का साइन एक्सप्रेशन का आ जाएगा जो आपके पास एग्जिस्टिंग है ठीक है आपके पास मौजूद है यहाँ पे भी जो मैंने ग्रुप बनाया वो लिख दिया यहां वेरिएबल था नंबर्स के साथ भी वेरिएबल आ गया क्लोज अब हमने इस ट को ओपन uh, करना है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस तो ये दोनों नंबर माइनस के हो गए अब देखिए माइनस सेवनटीन एक्स बन गया ठीक है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है अब हमने इनके दो दो ग्रुप बना लेने पहले इसका और फिर इसका इसमें से कॉमन नंबर एक्सट्रैक्ट करना है विच इज थ्री गुड और वेरिएबल कौन सा कॉमन हो जाएगा एक्स वेल डन

और प्लस माइनस माइनस टू को टेन से डिवाइड करेंगे तो आएगा फाइव ठीक मैं इसको भी रिमूव कर देती हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक्स रहता था ठीक है ये एक्स अब उसके बाद जो आउटर नंबर है उनका एक ग्रुप बना लेते हैं इनर नंबर का एक ग्रुप बन जाएगा थ्री एक्स माइनस टू ठीक है इनका एक ग्रुप बन गया और एक्स माइनस फाइव उसके बाद इट मींस के अब ये भी अगेन पी मल्टीप्लाई बाई टर्म में आ गया या तो थ्री एक्स माइनस टू जीरो होगा या एक्स माइनस फाइव जीरो होगा ये आ गया अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम कांस्टेंट नंबर को वहां भेजेंगे माइनस टू माइनस माइनस टू यहाँ पे माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा और सेम विद दिस ये माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा सो so आंसर हमारे पास आ जाएगा टू जब हम उसको एड करेंगे अब यहाँ पे थ्री के साथ भी एक्स एक्स को अकेला करना है थ्री यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड टू डिवाइडेड बाय थ्री और ये हमारे पास ऐड करके आंसर आ गया फाइव ठीक है सो जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि बॉटम की फिगर बड़ी हो और इनर नंबर स्मॉलर हो तो हम क्या करेंगे उसके बाद आगे इसको डिवाइड नहीं करेंगे यही आपका हो जाएगा आंसर यानी एक्स इक्वल टू अपॉन थ्री क्या है आपका आंसर तो ये प्रैक्टिस नाउ टू थी इससे रिलेटेड जो चार क्वेश्चन थे वो हमने किए इसमें मजीद कुछ पार्ट है वो हम बाद में करेंगे अः अभी आपको कुछ होम टास्क दे देते हैं जो आपने खुद क्वेश्चन करने हैं इसी तरह के क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट ए से लेकर ई e तक करेंगे और क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट ए टू लेकर ई तक करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज फाइव ए फ्रॉम एक्सरसाइज फाइव ए ठीक है क्वेश्चन फाइव और क्वेश्चन फोर आपने खुद करना है बिकॉज ये इसी तरह के सवाल आते हैं सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर home talks thank you